कोरोना से जानलेवा जंग में जीत रहा यूपी। राज्य में हुई 25 नए मामलों की पुष्टि, 48 जिलों में शून्य मामले दर्ज। उत्तर प्रदेश में 16 से होगी स्कूलों में पढ़ाई, 1 सितंबर से खोले जाएंगे यूनिवर्सिटी व डिग्री कॉलेज। ओलंपिक में हॉकी टीम की हार पर आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी बोले, भारत का प्रदर्शन दरिद्र जैसा तेंदुलकर पर कसा तंज। सांसद रामस्वरूप शर्मा की संदिग्ध हालात में मौत पर हिमाचल विधानसभा में हंगामा, कांग्रेस ने किया वॉकआउट। सांसद छेदी पासवान ने उठाया राजधानी एक्सप्रेस के सासाराम स्टेशन पर ठहराव का मामला, सांसद महाबली सिंह ने रेल मंत्री को सौंपा ज्ञापन। एमपी में बारिश का कहर जारी, शिवपुरी श्योपुर में बाढ़ में फंसे 625 लोग, एयरलिफ्ट कराने की कोशिश। बंगाल में पिछले साल भाजपा में शामिल होने वाले तृणमूल कांग्रेस सांसद सुनील मंडल ने कहा, टीएमसी का सदस्य हूं और बना रहूंगा। विपक्षी नेताओं के साथ राहुल गांधी का हल्ला बोल, ईंधन की कीमतों के खिलाफ साइकिल चलाकर पहुंचे संसद। पीएम योगी की तारीफ पर भड़के अखिलेश, कहा समझ नहीं आता अमित शाह ने किस बात के लिए प्रशंसा की। यूपी कैबिनेट का फैसला, सभी अनाथ बच्चों को हर माह 2500 रुपए की आर्थिक मदद, आगरा मेट्रो के लिए जमीन की दिक्कत दूर। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।